मैं जमान खान स्मार्ट पार्क से हूँ। शैलिंग हो, धरना हो, धरने में रोटियां पकाना हो, कोई भी ड्यूटी हो, आप आगे फ्रंट फुट पे आती हैं। क्या वजह है? पाकिस्तान 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 से कितनी मोहब्बत है? क्या आप हर जगह कंटेनर पे भी आप हैं, ज्यादातर में आप हैं, क्या है ऐसी, क्या वजह है? उसकी वजह पाकिस्तान है, क्योंकि खान साहब का जो नजरिया है, खान साहब की जो वजह है वो एक ही है, वो है पाकिस्तान है। हमेशा लोग कहते हैं मैं खान साहब की फैन नहीं, बल्कि उनके जो नजरिया है, जो पाकिस्तान का नजरिया है, उसके साथ हैं और शाना बशाना। और मुझे फ़ख्र है कि खान साहब जो है वो जब भी चाहे 1000 लोगों में हो, चाहे 4 लोगों में हो, वो मेरा नाम पुकार के मेरा हाल भी पूछते हैं, मेरे बारे में फ़िक्रमंद भी होते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं जज्बा जुनून भी देते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि खान साहब के सामने जब भी जाऊँ उसमें मैंने कोई एक बेटर अचीवमेंट की हो, जो हो गया उससे मैं कभी याद नहीं रखती। जो आज का दिन है मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और मैं आने वाले दिन के लिए तैयार रहती हूँ। और मुझे अपने पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है, अपनी आवाम बहुत अच्छी लगती है। इनको देखकर इनके चेहरों में मुझे खान साहब नज़र आते हैं, और खान साहब के चेहरे में मुझे पाकिस्तान नज़र आता है। और यही वजह है कि मैं अपनी आवाम के साथ भी उतना ही अटैच्ड हूँ, और खान साहब के साथ भी उतना ही अटैच्ड हूँ। और मेरे अंदर खान साहब मुझे कई दफ़ा बहुत दफ़ा कहते हैं, जैसे आज भी मुझे कहते हैं नादिया आप घबराई तो नहीं, तो मैं उस दिन मतलब मैं जिस मिट्टी से, उस चिराग की मिट्टी से, वहाँ ना घबराहट होती है ना बुसली है, बल्कि हमारा नाम है, मेरा अल्लाह ने मुझे किसी काम के लिए पैदा किया हुआ है, और वो मेरे मुल्क की मोहब्बत है, वो मेरे मुल्क से कोई काम लेना है। अभी तो मैंने अपनी सलाहियतों का 1% भी नहीं यूटिलाइज़ किया, तो इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा तो पाकिस्तान देखेगी कि नादिया खट्टर क्या से क्या करती है अपनी आवाम के लिए। मेरा जीना मरना मेरे पाकिस्तान के साथ। बड़े नवाज वजीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? जलसा उन्होंने किया होगा, बहुत बड़ा जलसा था, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मरियम आपको इमरान खान नज़र आ रहे हैं ना, जब तक आपको खान साहब नज़र आते रहेंगे ना तो आप तो भूल ही जाएं, और हम सब हैं ना खान साहब के साथ, तो खान साहब और खान साहब के साथ रहने वाले तमाम लोग जो है ना वो आपको कभी भी आगे नहीं आने देंगे, क्योंकि असल हमेशा नकल पर हावी होता है। तो अभी शब खून मार रही है जो दिल्ली पर, उसके बारे में हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ खान साहब क्या कह रहे हैं उससे फर्क पड़ता है, खान साहब क्या करना चाह रहे हैं हमें उससे फर्क पड़ता है, पाकिस्तान किस दहाने पे पहुंच गया हमें उससे फ़र्क लगता है। मुझे मेरे लिए ज़्यादा अहमियत कामिल है कि मेरे ये पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं, इनके क्या मसले हैं। मुझे वो लोग जो जिन्होंने करप्शन किया है, जिन्होंने इस दहाने पे पाकिस्तान को पहुंचाया है, उनका ना सोचने का टाइम है, उनसे उनकी उनके लिए ना बात करने का टाइम है, और ना उनकी बात सुनने का टाइम है। सो आई हैव इनफ टू टॉक अबाउट माई खान साहब। मुझे कोई मुझे इंसल्ट लगती है, मुझे अपना बहुत ही बुरा लगता है जब मैं किसी भी ऐसे बंदे बंदी की बात कर मुझसे करवाई जाती है जो मेरे मुताबिक बिल्कुल नालायक है, मेरे मुताबिक बिल्कुल फेल है, और मेरे मुताबिक उनकी बात करना जो है वो अपनी तौहीन करना है। ये जो आटा मुफ्त दे रहे हैं, और सुना है कि अभी पेट्रोल पंप भी गिरा दिया गया है, इस बारे में क्या है? ये ना पाकिस्तान के ना इन्होंने जो लोगों का खून चूस लिया है, इनकी इनकी नौकरियों का, इनकी जायज़ कमाई का, और जो कुछ भी कर लें इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो खान साहब जब वापस आएंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे, तो इन सब जो ये माफिया है ना, इन सब को जो है ना वो कानून के ज़रिए जो है ना वो बताएंगे कि असल क्या है, ठीक क्या है और गलत क्या है, और जो भी इसमें मुलव्वस होगा वो सब अपने सजा को पहुंचेंगे कानून के जरिए इंशाल्लाह। जिले शाह के बारे में आप क्या कहेंगे? जिले शाह के साथ तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, और वो मुझे कहता था हर वक्त के मैंने माँ जी को, मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मेरी 2 बहनें नहीं, मेरी 3 बहनें, और मैं उससे बल्कि बहुत ज़्यादा समझाती थी, कोशिश करती थी उसको एक अच्छी बात बताऊं, और उसके साथ प्यार मोहब्बत जो है वो सबको मालूम है, हमारा पूरा टाइम उसके साथ गुजरता था, और उसकी मोहब्बत जो है वो पूरी दुनिया को, वो खान साहब की तस्वीरें गिरने नहीं देता था, तो यहाँ जितने भी ये पंपलेट्स हैं उसकी तस्वीर जहाँ खान साहब की होती थी, कोई गिरता था उसमें से वो कैंची उसके पास होती थी, वो खान साहब की तस्वीर काट के अपनी जेब में डालता था, और अल्लाह को उसकी अदा इतनी पसंद आई कि जब बहुत सारे लोग इस दुनिया से जाते हैं लेकिन वो बंदा अमर हो गया, शहीद हुआ, अमर हुआ, और आज हर एक की मोबाइल पे उसकी तस्वीर है, हर एक के मुंह पे उसकी बात है, यही उसकी इमरान खान से इश्क और मोहब्बत की जो है वो इंतहा। आखिरी सवाल, क्यों लोग थकने रहे लाहौर वाले, बाकी जो इतना मेला लगा हुआ, क्यों नहीं थक रहे वहाँ, क्या वजह है? कौन सी एनर्जी का है? पाकिस्तान से मोहब्बत है, और खान साहब की जो है वो उससे दिल लगी है,
और ये दिल लगी ज़्यादा होती रहती है। और लाहौर तो वैसे भी कलंदरों का शहर है और मोहब्बतों का शहर है, तो मोहब्बत तो हमेशा ज़्यादा हुआ करती है, मोहब्बत कभी कम हुआ करती है। तो खान साहब के साथ तो मोहब्बत इन नौजवानों की इतनी है कि लड़कियां भी अब जेलस कर रही होंगी कि अल्लाह इतनी मोहब्बत जो खान साहब के साथ है वो लड़कियों के साथ क्यों नहीं है। तो ये जितने नौजवान हैं वो इस उम्र में लड़कियों से मोहब्बत करने की बजाय खान साहब से मोहब्बत करें, बल्कि मोहब्बत नहीं इश्क करें, तो आप सोचें जब खान साहब से इनको इश्क होगा तो फिर दमादम मस्त कलंदर तो खुद ही होगा और रोज ही मोहब्बत जो है वो ज्यादा होती जाएगी। अच्छा ये लीडर माने ये कौम, और बल्कि मैं ये कहूँगी कि पीडीएम और मरियम जो मोहब्बत की रेनबो है ना वो यहीं से शुरू होती है रोज़ाना, उसमें बारिश की ज़रूरत नहीं होती, उसमें जज्बे की ज़रूरत होती है। और जज्बा जुनून हो और नौजवान हो खान साहब हो तो फिर लोगों की मोहब्बत जो एक मोहब्बत जो पाकिस्तान के लिए वो इस इश्क को आप कहीं पर भी नहीं कर सकते। नहीं खान साहब को लीडर माने कि मुर्शिद माने? लीडर भी है, मुर्शिद भी है, मोहब्बत भी है, इश्क भी है, पाकिस्तान भी है, सब कुछ है पाकिस्तान का, क्योंकि उनकी उनकी वजह जो है वजह शोहरत वजह मोहब्बत वजह इश्क पाकिस्तान है। तो सबकी जो मोहब्बत है आप इनकी आंखों को देखें, इनके चेहरों की मुस्कुराहट देखें, इन सब में आपको इमरान खान दिखता है। तो यही सबसे बड़ी जो है वो तोहफा है पाकिस्तान के लिए, और खान साहब को भी तोहफा है पाकिस्तान के नौजवानों का कि बच्चा बच्चा कहता है खान साहब खान साहब, मुर्शिद मुर्शिद। बहुत मेहरबानी, बहुत थैंक यू। मैं किधर मतलब जाऊँ जा